अमेरिकी राष्ट्रपति और एफबीआई के बारे में कई बार चर्चा का दौर चला, बार बार गोपनीय दस्तावेजों का हवाला दिया गया। सवाल ये है कि आखिर इन गोपनीय दस्तावेजों में ऐसी कौन सी जानकारी होती है जो सुरक्षा के लिहाज से किसी भी देश के लिए एक बड़े खतरे का कारण बन जाती है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका के ये गोपनीय दस्तावेज कौन से हैं जिनको लेकर एफबीआई अपने ही देश के राष्ट्रपति के घर छापेमारी करने से भी डरी नहीं। गोपनीय दस्तावेजों का गायब हो जाना किसी भी देश की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जाता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति हो या फिर सदन का कोई भी सदस्य, खुफिया एजेंसियों का काम है बारीकी से जांच करना ताकि किसी भी तरह से गोपनीय दस्तावेज गलत हाथों में ना पड़ जाए। किसी भी राष्ट्र की गोपनीय सूचनाओं को सामान्यतया चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहला रिस्ट्रिक्टेड, दूसरा कॉन्फिडेंशियल, तीसरा सीक्रेट और चौथा टॉप सीक्रेट कैटेगरीज होती हैं और सूचनाओं की संवेदनशीलता के आधार पर इन्हें विभिन्न कैटेगरीज में डाला जाता है। जाहिर है कि टॉप सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे अधिक संवेदनशील होती है और उसके बाद सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड सूचनाओं का स्तर आता है। और ये जो सूचनाएं होती हैं ये उन्हीं व्यक्तियों को एक्सेस होती हैं जिन्हें कि सिक्योरिटी क्लियरेंसेस मिले होते हैं। और ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस प्राप्त जो भी व्यक्ति होते हैं उनको भी ये सूचनाएं नीड टू नो बेसिस पर दी जाती हैं। गोपनीय दस्तावेज का गायब होना मतलब देश पर बड़े खतरे की आशंका। आखिर क्या होते हैं गोपनीय दस्तावेज, आइए ये भी जान लेते हैं। गोपनीय दस्तावेज उन रिपोर्ट्स को कहा जाता है जिनमें देश की संवेदनशील जानकारियां मौजूद रहती हैं और इन जानकारियों के सबके सामने आने से किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा या उसके विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही ज्यादातर देश गोपनीय दस्तावेजों को संरक्षित करने लगे। गोपनीय जानकारी को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी अहम माना जाता है। द वाशिंगटन की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने इन गोपनीय दस्तावेजों को तीन श्रेणियों में बांटा है जिनमें सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये दस्तावेज गोपनीयता के हिसाब से सबसे निचली श्रेणी में आते हैं। इन दस्तावेजों की जानकारी सरकारी कर्मचारियों समेत हजारों लोगों की पहुंच तक होती है। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट या किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी शामिल हो सकती है। हालांकि भले ही इसमें अत्यधिक संवेदनशील जानकारियां शामिल नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन दस्तावेजों में जो सूचनाएं होती हैं उनके बाहर आ जाने से विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। गोपनीय दस्तावेजों की सूची में दूसरे नंबर पर आता है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। ये रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इनको संवेदनशील दस्तावेजों की श्रेणी में रखा जाता है। इन दस्तावेजों में ऐसी जानकारियां होती हैं जिनके लीक हो जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। इनमें खुफिया एजेंसी का बजट जैसी जानकारियां शामिल रहती हैं। तीसरे और सबसे अहम दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। इनमें किसी भी देश की खुफिया और महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं। ये रिपोर्ट काफी संवेदनशील होती है, इसलिए इन तक सिर्फ सीमित लोगों की ही पहुंच होती है। इनमें गुप्त सूत्रों से मिली जानकारियों को काफी सुरक्षात्मक ढंग से सुरक्षित करके रखा जाता है। टॉप सीक्रेट में विदेश नीति और सेना के अति संवेदनशील दस्तावेज होते हैं। इन दस्तावेजों के लीक होने का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने के साथ ही निजी स्रोत भी प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में जो बाइडेन को लेकर जब सवाल उठे तो एफबीआई ने बिना देर किए हुए छापेमारी की ये कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि बाद में ये कहा गया कि बाइडेन के घर से एफबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि मीडिया खबरों में ये भी सामने आया कि एफबीआई बाइडेन के घर से कुछ हैंड रिटन दस्तावेज अपने साथ ले गई है, लेकिन ये भी कहा गया कि एफबीआई को घर से कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं मिला है।